नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। बालूघाट पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर माफियाओं ने किया हमला, एसडीपीओ सहित 3 पुलिसकर्मी घायल, एक ग्रामीण की हुई मौत। तिलका मांझी स्थित ज्वेलर्स दुकान से चोरी किए गए सामानों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया बरामद, 4 गिरफ्तार। डेंगू की रोकथाम को लेकर नगर विधायक ने दिया धरना, सभी वार्डों में फॉगिंग कराने की मांग। काली पूजा को लेकर डीएम प्रणब कुमार ने शांति समिति के सदस्यों के साथ की बैठक, प्रतिमा विसर्जन को लेकर दिए कई दिशा निर्देश। और विक्रमशिला पुल के समानांतर पुल निर्माण को लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों ने किया स्थल निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। अमरपुर थाना क्षेत्र के जनकपुर गांव के समीप छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस और माफियाओं के बीच जमकर गोलीबारी हुई। गोलीबारी की घटना में बांका एसडीपीओ डीसी श्रीवास्तव गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि जनकपुर गांव के फंटूस यादव की मौत हो गई। वहीं हमले में एसडीपीओ के चालक एवं अंगरक्षक भी घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने एसडीपीओ सहित घायल पुलिस जवानों को इलाज के लिए बांका सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एसडीपीओ की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही डीआईजी विकास वैभव एसडीपीओ का हाल जानने बुधवार को मायागंज अस्पताल पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी ली। डीआईजी ने कहा कि घटना में शामिल बालू माफियाओं को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। डीआईजी ने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए बांका एसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस दौरान सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। फायरिंग भी हुई थी, फायरिंग के क्रम में गोली चलाई हुई जानकारी मिली है। एक व्यक्ति मृत्यु हुई है, किस प्रकार से हुई है इसकी जाँच कर रहे हैं, लेकिन हमने घायल। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के जनकपुर गांव में महादेव इनक्लब बालू उठाव कंपनी द्वारा माफियाओं के बारे में अवैध रूप से बालू उठाव की जानकारी दी गई, जिसके बाद एसडीपीओ डीसी श्रीवास्तव पुलिस टीम के साथ छापेमारी करने जठौर स्थित बालू घाट पहुंची, जहां पुलिस को देखते ही बालू माफियाओं ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस जवानों ने आत्मरक्षार्थ गोलियां चलाई। वहीं माफियाओं की ओर से भी गोलीबारी शुरू हो गई। घटना में गाँव के फंटूस यादव नामक युवक की मौत हो गई। फंटूस की मौत के बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और भागलपुर बांका मुख्य को जाम कर आगजनी करने लगे। वहीं पीड़ित परिजनों ने महादेव इनक्लब के कर्मी द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने की बात कही। भागलपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ज्वेलर्स दुकान से चोरी किए गए आभूषणों को बरामद करते हुए घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। एसएसपी ने कहा कि तिलका मांझी स्थित सृष्टि ज्वेलर्स में मंगलवार की रात चोरों ने शटर तोड़कर दुकान में रखा सारा आभूषण लेकर फरार हो गया था। घटना के बाद सिटी डीएसपी राजवंत सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके बाद टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों ने प्रहलाद हरी, मनोज हरी और गणेश कुमार को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान तीनों बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें सागर हरी के पास से चोरी के सारे आभूषण को बरामद किया गया। एसएसपी ने कहा कि घटना में चारों आरोपियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज मौजूद थे। डेंगू की रोकथाम और नगर निगम की लापरवाही के विरोध में बुधवार को नगर विधायक अजीत शर्मा ने निगम कार्यालय के सामने धरना दिया। दर्जनों समर्थक थकों के साथ विधायक ने नगर सरकार और निगम प्रशासन पर जमकर भड़ास निकाली। धरना पर बैठे विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि भागलपुर की जनता डेंगू से परेशान है और निगम अपनी नाकामी छिपाने के लिए सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है। इसके पूर्व धरना पर बैठे लोगों ने कहा कि किसी भी वार्ड में नियमित रूप से फॉगिंग नहीं हो रही है, न ही ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं विधायक ने निगम प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए। शहर की हालत ये आखिर क्यों हो रहा है, ये क्यों बीमारी फैल रही है? पूरे शहर में नगर निगम के द्वारा जो सफाई होनी थी वो नहीं हो रहा है। पूरे नाले में पानी का जल जमाव है। पिछले जो मंत्री जी आए थे उससे मैं भी बैठक में था, आज से 1 महीना पहले
पूरे स्मार्ट सिटी की चर्चा होते रही। मैंने कहा स्मार्ट सिटी तो सबसे पहले चीनी को और कोई काम नहीं हुआ, लेकिन जो निगम की रोज की मुकामें हैं, जैसे कि फॉगिंग होना शहर में, नालों की सफाई करना, नालों को ढक्कन से बंद करना, अभी आप देखे होंगे शंकरपुर में, वहाँ पे लालूचक में एक बच्चा नाला पानी जो बाढ़ का आया, जो जल जमा हुआ नाली में ढक्कन नहीं रहने के चलते वो नाला में डूब के वो मर गया, यह मौत हो गई। नगर निगम बिल्कुल अपने काम में फेल है। आप देखिए जो बीमार होते हैं, जो डेंगू के नाम से बीमारी जानी जा रही है, हॉस्पिटल में जाइए कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। काली पूजा को लेकर बुधवार को भागलपुर डीआरडीए सभागार में शांति समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने की। इस दौरान केंद्रीय काली पूजा महासमिति, शांति समिति, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी और पूजा समिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी। श्री श्री 108 काली महारानी समिति के अध्यक्ष ब्रजेश शाह ने कहा कि जिला प्रशासन 100 समय गंगा जल के साथ 10 फीट के अधिक गहराई वाला तालाब उपलब्ध कराए। साथ ही सदस्यों ने तालाब के समीप साफ सफाई की मुकम्मल व्यवस्था किए जाने की मांग की। वहीं केंद्रीय काली पूजा महासमिति के महामंत्री चिरंजीवी कुमार धुरी ने निगम प्रशासन से विसर्जन घाटों पर रोशनी की मुकम्मल व्यवस्था किए जाने की मांग की। समिति के सदस्यों ने बताया कि भागलपुर में 27 अक्टूबर को 80 प्रतिमाएं विराजेगी। वहीं डीएम प्रणब कुमार ने पूजा समिति के सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया और नियम के अनुसार प्रतिमा विसर्जित करने की बात कही। एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि प्रतिमा विसर्जन को लेकर पुलिस प्रशासन पूजा समिति से लगातार संपर्क में है और सभी थानों में शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में सहायक डीएम, नगर आयुक्त जयप्रिय दर्शनी, नगछिया एसपी निधि रानी, सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, सिटी डीएसपी राजवंश सिंह समेत कई अधिकारी और थाना अध्यक्ष मौजूद थे। डीआरडीए में डीएम साहब की अध्यक्षता में केंद्रीय काली पूजा महासमिति की बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया, केंद्रीय महासमिति में जितने प्रतिमा साथ चलती है 80 प्रतिमा उसी रूट से, निर्धारित रूट से विसर्जन शोभा मार्ग में शामिल होंगी। सभी प्रतिमा काली विसर्जन घाट में ही विसर्जित होगी। प्रशासन की ओर से पोखरा खनवाया गया है, उस पोखरे में गंगा का जल दिया जाएगा। तो हम अपने समिति के, स्थानीय समिति के सभी मेलपतियों सदस्यों से भी यह आह्वान करना चाहेंगे, आप अपनी प्रतिमा का विसर्जन उसी पोखरे में जहां गंगा जल ही है उसी में हम लोग विसर्जन करें। शांति समिति की बैठक तो हर साल हर पूजा हर फेस्टिवल में होता है, उस नाम पे हुआ, लेकिन मेन फोकस जो था ये पर्यावरण को लेके और विधि व्यवस्था, उस पर जो हम लोग ने अर्दान प्रदान किया जिला प्रशासन और पदाधिकारियों के साथ, अपनी राय हम लोग ने दिया कि गंगा सबके लिए है, प्रदूषण रोकना सबका कर्तव्य है, लेकिन उसके साथ आस्था और संस्कृति भी बहुत बड़ी चीज़ है। भागलपुर तो 250 साल से पहले से यह परंपरा होती आ रही है और हमको लगता है कि यह 66वां साल है जो समिति गठन एक प्रारूप है समिति का, उस पर हम लोग ने अपने सलाह दिया है कि प्रशासन को व्यवस्था करें जिससे कि हमारे विसर्जन शोभा यात्रा में आने वाले को विसर्जन करने में कष्ट नहीं हो, तो वो कोई मन दिक्कत नहीं है कि हम गंगा तट पे तालाब में विसर्जन करेंगे। विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल निर्माण कार्य को लेकर बुधवार को सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के इंजीनियरों की टीम ने विक्रमशिला सेतु का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्रालय की टीम के साथ एनएच के कार्यपालक अभियंता राजकुमार, पुल निर्माण निगम के वरीय परियोजना अभियंता राम सुरेश राय मौजूद थे। निरीक्षण के बाद मंत्रालय को समानांतर पुल के अलाइनमेंट का कन्फर्मेशन रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके साथ ही डीपीआर की स्वीकृति मिल जाएगी। डीपीआर की स्वीकृति मिलने के बाद पुल निर्माण निगम भागलपुर की ओर से टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी और समानांतर पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी।
अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजीशन पाएं, फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894, 8210975763, 7542931524, 6200102297, बलुआ टोला, करेला, नाथनगर, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। गुरुवार को बरारी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में नाथनगर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना होगी। मतगणना कार्य को लेकर भागलपुर के टाउन हॉल में निर्वाचन पदाधिकारी साथ जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बैठक की। बैठक के दौरान DM ने मतगणना कार्य में लगाए गए सभी कर्मियों को VVPAT की गिनती के समय सावधानी बरतने का निर्देश दिया। DM ने कहा कि मतगणना को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी, सहायक जिलाधिकारी सहित कई अधिकारी मौजूद थे। नए ट्रैफिक कानून एवं अतिरिक्त टैक्स के विरोध में बुधवार को ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने चक्का जाम कर दिया है। इसके साथ ही जिले में ट्रकों की रफ्तार थम गई है। हड़ताल पर गए ट्रक ऑनर एसोसिएशन के लोगों ने कहा कि परिवहन काला कानून के विरोध में अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया गया है। अगर सरकार अतिरिक्त टैक्स और नए ट्रैफिक कानून में बदलाव नहीं करती है तो आगे आंदोलन तेज किया जाएगा। ट्रकों का पहिया थमने से रोजमर्रा के सामानों की कीमतें बढ़ जाएगी। पिछले कई दिनों से डेंगू की मार झेल रहे शहरवासियों को डेंगू से निजात दिलाने के लिए पूर्व उपमहापौर प्रीति शेखर लगातार शहर के विभिन्न वार्डों का दौरा कर रही है। प्रीति शेखर गली मोहल्ले में जाकर ब्लीचिंग पाउडर और फॉगिंग मशीन से लगातार डेंगू से लड़ाई लड़ रही है। शहर में बढ़ते डेंगू के मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रीति शेखर ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा है ताकि लोग अपने वार्ड की समस्या बता सके, ताकि समय रहते डेंगू की मार से बचा जा सके। डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि भागलपुर को बचाना है, डेंगू को हराना है का संकल्प लेकर दिन रात शहरवासियों की सेवा में तत्पर हूं। जब तक डेंगू से जंग जीत नहीं जाती तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। भागलपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। शहर की साफ सफाई भगवान भरोसे चल रही है। जगह जगह कूड़े कचरे का अंबार लगा है। लोग डेंगू के डंग से परेशान है। वहीं मेयर सीमा साहा ने कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए निगम प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जबकि डेंगू और साफ सफाई के सवाल पर डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने कहा कि सभी वार्डों में फॉगिंग कराया जा रहा है। साथ ही डिप्टी मेयर ने नगर विधायक अजित शर्मा द्वारा निगम कार्यालय के सामने धरना दिए जाने पर कहा कि विधायक जी को थोड़ा पहले जागना चाहिए था। इधर वार्ड नंबर 32 पार्षद हंसल सिंह ने वार्ड में सफाई की मुकम्मल व्यवस्था किए जाने का दावा किया है। निगम से तो पूरा प्रयास कर रहा है, कानून वार्ड में आपका फोरिंग हो रहा है और चुनाव बिल्कुल छिड़काव हो रहा है और ये आपका मनवा का जो छिड़काव आता है वो भी हो रहा है और नगर निगम पूरा प्रयास किया जा रहा है ये सारा। कि भागलपुर नगर निगम के पास पहले सीमित संसाधन मात्र, हमारे पास 2 फॉगिंग मशीन थी और दवा छिड़कने की एक भी हमारे पास मशीन नहीं, और कभी इस तरह की आपातकालीन स्थिति भागलपुर नगर निगम को देखने का मौका नहीं मिला कि इस स्तर पर डेंगू फैल जाए कोई नहीं जानता। लेकिन जिस स्तर पर बाढ़ का पानी आगे बढ़ा, फिर पानी जब गया तो जिस हिसाब से डेंगू फैला, महामारी फैली, इस पर हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने 18 पहले जो है दवा छिड़काव की मशीन खरीदी, फिर हम लोगों ने 51 वार्ड के लिए 51 दवा छिड़कने की मशीन खरीदी, 4 हम लोग फॉगिंग मशीन खरीदे और नियमित रूप से दवा का छिड़काव निरंतर किया जा रहा है। पर नहीं, अच्छी बात है, नगर के विधायक हैं, यदि उनके तरफ से कहीं कोई, अगर भागलपुर नगर निगम की तरफ से कोई कमी पाई जा रही है तो उसको बताने का काम करेंगे। हम लोग अपने स्तर से जो हमारे पास संसाधन है उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। विधायक जी थोड़ा सा और पहले जागते तो मुझे लगता है कि काम में और ज़्यादा प्रगति आती, लेकिन देर आए दुरुस्त है, कोई बात नहीं। डेंगू के रोकथाम के लिए नगर प्रशासन बहुत एक्टिव है, उसकी हर दवाई उपलब्ध करा रही है, फॉगिंग हो रहा है और लावा मारने वाला केमिकल भी आ गया, उसका भी छिड़काव हो रहा है। मैं अपने वार्ड में अलग से चुनाव ब्लीचिंग का भी इंतजाम किया हूँ, हर जगह ब्लीचिंग अपने पैसे से खरीद के बंटवा रहा हूँ और मैं स्वयं लगाऊँ, और मैं पूरे वार्ड में हर लोगों को अपील भी करता हूँ कि अपने अगल बगल पानी नहीं जमने दें और वार्ड को स्वच्छ रखें ताकि डेंगू का
प्रवेश ना हो सके। भागलपुर के सनहौला प्रखंड स्थित सिल्क भवन परिसर में बुधवार को कृषि जागरूकता महाभियान के तहत प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सवौर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक कमल कुमार, रविन्द्र कुमार, सहायक निदेशक मोहम्मद अंसार एवं BAO विनय शंकर ने किया। इस दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा रबी फसल की उन्नत खेती के लिए अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है, साथ ही किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र दिया जा रहा है, जिसका लाभ लेकर किसान उन्नत खेती कर समृद्ध हो सकते हैं। इस अवसर पर मुखिया विपिन बिहारी सिंह, विपिन यादव, संजय शाह, गौरी शंकर सहित दर्जनों किसान मौजूद थे। आज एक कार्यक्रम में आयोजित हुआ जो रबी में ये जागरूकता अभियान के तहत प्रखंड स्तर पर आयोजन किया गया, जिसमें उन्नत जो सिलेक्टेड किसान थे उन किसानों को योजनाओं को जानकारी और योजनाओं के लाभ से संबंधित प्रखंड स्तरीय जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। डेंगू को हराना है, भागलपुर को बचाना है, इन्हीं नारों के साथ बुधवार को रोटरी विक्रमशिला पिंक के सदस्यों ने पूर्व उपमहापौर डॉक्टर प्रीति शेखर के नेतृत्व में शहर के कई इलाकों में ब्लीचिंग, चूना और केमिकल का छिड़काव किया। इसके बाद महिलाओं ने ढोल ताशा बजाकर निगम प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। बालूघाट पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर माफियाओं ने किया हमला, SDPO सहित 3 पुलिसकर्मी घायल, एक ग्रामीण की हुई मौत। तिलका मांझी स्थित ज्वेलर्स दुकान से चोरी किए गए सामानों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया बरामद, 4 गिरफ्तार। डेंगू की रोकथाम को लेकर नगर विधायक ने दिया धरना, सभी वार्डों में फॉगिंग कराने की मांग। काली पूजा को लेकर DM प्रणब कुमार ने शांति समिति के सदस्यों के साथ की बैठक, प्रतिमा विसर्जन को लेकर दिए कई दिशा निर्देश। और विक्रमशिला पुल के समानांतर पुल निर्माण को लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों ने किया स्थल निरीक्षण। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।